हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाघ और सुतहर। एक दिन शिकार खाते वक्त एक बाघ के जबड़े में एक हड्डी का टुकड़ा फंस गया। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल सका। जब तक ये हड्डी नहीं निकलेगी, मैं खाना नहीं खा सकता। दिन गुजरते गए और वो बाघ बहुत परेशान और कमजोर हो गया। एक सुतहर उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर ये सब देख रहा था। उसने बाघ से बात की। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे मुंह को, क्या हुआ? जरा पास आके देखो, यहाँ एक हड्डी फंसी है। अरे हाँ, हड्डी तो बुरी फंसी है। मैं इसे निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे हमेशा शिकार में हिस्सा देना होगा। बाघ ने सहमति दिखाने के लिए अपनी गर्दन हिलाई। सुतहर ने बाघ के मुंह से हड्डी निकाली और वो पेड़ पर जा बैठा। कुछ समय बाद बाघ ने एक जानवर का शिकार किया। अरे रुको तो जरा, अपना वादा तुम भूल गए? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाघ ने सुतहर की तरफ देखकर बहाना बनाने का निर्णय लिया। ए, कौन हो तुम? मैं तुम्हें शिकार में हिस्सा क्यों दूं? सुतहर चकित रह गया। क्या एहसान फरामोश, भूल गए? मैंने ही तुम्हारे मुंह से हड्डी निकाली थी, इतनी जल्दी भूल गए? बाघ जोर से हंसने लगा। जंगली जानवर पर विश्वास? मैं चाहता तो तुम्हें आसानी से मार सकता था। अपने खैर मनाओ कि हड्डी निकालते वक्त मैंने तुम्हें मारा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। मत भूलना मेरी चोंच बहुत तेज है। बाघ ने सुतहर को अनदेखा किया, उसने उसे कुछ नहीं दिया। मेरा भी हिस्सा खाके चैन से सो रहे हो, अभी मजा चखाता हूँ। सुतहर ने नीचे उतरकर बाघ की एक आंख अपनी तेज चोंच से फोड़ दी। बाघ की आंख से खून बहने लगा। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। अरे निर्दयी, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। खैर मनाओ, मैं चाहता तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता। मेरा एहसान मानो, मैंने ऐसा नहीं किया। अब जाओ यहाँ से। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना गलत है।